सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा माया का जादू, कहा कि मूर्तियों पर किया गया खर्च लौटाए मायावती। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बता दें कि हाल ही में मायावती पर ईडी की छापेमारी की गई थी, जिसे मायावती ने आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी का इसमें हाथ बताया और कहा था कि पीएम मोदी बीएसपी की छवि खराब करने के लिए ईडी और सीबीआई जैसे अफसरों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मायावती को झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि मायावती ने जो हाथियों पर और अपनी मूर्ति बनवाने पर खर्च किया है वो सरकारी खजाने से लिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मायावती जल्द से जल्द इसकी भरपाई कर दे। बता दे कि ये पूरा मामला 2009 से फंसा हुआ है और इस मामले पर कोर्ट ने मायावती को लेकर कई बार फटकार भी लगाई थी, लेकिन आज आए फैसले के बाद ऐसा लग रहा है मानो इस मामले में फटकार के सिवा कुछ सुनवाई भी हुई है। हालांकि कोर्ट का ये भी कहना है कि अभी आखिरी सुनवाई 2 अप्रैल तक होनी है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें दावा किया गया है कि लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बनाए गए पार्कों पर कुल लगभग 6000 रुपए खर्च किए गए थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी के पत्थरों की 30 मूर्तियां और कांसे से बनी 22 मूर्तियां भी लगवाई गई थी, जिसमें करीब 685 करोड़ का खर्चा आया था। सूत्रों के अनुसार बताया गया कि पार्कों और मूर्तियों के रखरखाव के लिए तकरीबन 5634 कर्मचारी रखे भी गए थे। आपको बता दें कि 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। तब अखिलेश ने मायावती पर 40,000 करोड़ के मूर्ति घोटाले का आरोप लगाया था। बता दें कि हाल ही में सीबीआई ने अखिलेश यादव के खिलाफ अवैध खनन की छापेमारी की थी, जिसके बाद लखनऊ में दीवार फिल्म के डायलॉग वाला एक बड़ा होर्डिंग वाला बैनर भी लगा था। समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगी इस होर्डिंग में सपा बसपा गठबंधन को दिखाया गया, जिसमें साथ ही साथ ये भी लिखा था कि तुम्हारे पास सीबीआई है तो क्या हुआ, हमारे पास गठबंधन है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि हाल ही में हुए सपा और बसपा के गठबंधन से बबुआ क्या बयान देंगे। क्या गठबंधन होने के बाद अखिलेश यादव इससे बचते दिखाई देंगे, या फिर 2012 की तरह अखिलेश यादव आक्रामक रवैये के साथ मायावती पर हमला करेंगे। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो बुआ और बबुआ के रिश्ते में दरार आ सकती है और साथ ही साथ गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। वही खबर इस बात की भी है कि मायावती ने हाल ही में ट्विटर पर अकाउंट बनाया था और इसे लेकर वो काफी चर्चाओं में है। हालांकि मायावती का ट्विटर अकाउंट 2018 में ही बन गया था, मगर इस साल 22 जनवरी को उनकी असली वापसी हुई है। वहीं 22 जनवरी को मायावती ने अपना पहला ट्वीट किया और अपनी वापसी की जानकारी भी दी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर मायावती का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आपने ट्विटर पर आने की मेरी बात आखिर मान ही ली, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद ही लोगों को मैसेज हुआ कि मायावती ट्विटर पर वापस आ गई हैं। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।